वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मर्तबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहां पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहां पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर वितु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वायलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज उन्होंने ही बनाई है जो कि यहाँ काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर और किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज नहीं किया गया था मींस इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने ने को को हैंडल हैंडल किया किया एंड पर जो जो है वो ईशान देव सॉन्ग्स वगैरह कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जेनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी ए के साजन ने ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो ए के साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजीएम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ़ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर, पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजीएम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेसन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेसन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेसन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है दो घंटे तो, दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी मूवीज की पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी, की सारी के सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी इतनी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने को हैंडल किया एंड यहां पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल well, तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जेनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज जो जो देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेसन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी, अच्छी मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर विथु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वायलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज उन्होंने ही बनाई है जो कि यहाँ काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन नहीं ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहां पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल well तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जेनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को

बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर, पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी इतनी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी ए, मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर विथु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वॉयलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल well, तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में, में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज uh, देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात बात करें करें एंड कि इस मूवी की पर जो है वो टाइम कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों लो को बता चुका हूं कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेसन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर असुरवितु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वॉयलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल well, तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के, के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देख देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात बात करें करें एंड कि इस मूवी की पर पर जो है वो है वो टाइम कितनी एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेसन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेसन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर असुरवितु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वॉयलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज रिलीज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने को हैंडल किया एंड यहां पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल well, तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जेनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर, अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी, की सारी के सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो है वो टाइम कितनी एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहां पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है यानी

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहां पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल well, तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जेनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए यह आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ़ ही उठाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजीएम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ़ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा डायरेक्शन तो तो, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल well, तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात बात करें करें एंड कि इस मूवी की पर पर जो है वो है वो टाइम कितनी एंड इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेसन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल well, तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को लो बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को देखने मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी, की सारी के सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेसन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेसन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम पर बात करें इस मूवी मूवी की की डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर असुरवितु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वॉयलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज़ उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जेनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूं क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी, की सारी के सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेसन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेसन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी नेम ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर वितु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वायलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज़ उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने BGM को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजीएम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ़ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीज़ें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेसन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेसन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेसन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी ए, मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर विथु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वॉयलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े बढ़ें बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से 66 परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीज़ें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी इतनी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी ए, मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर असुरवितु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वॉयलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज़ उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ़ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन नहीं हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज जो जो देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे। बाकि अगर हम पर पर बात करें कि इस मूवी जो है, है, को को तो है आजकल के दौर में आई तो पर डीबी रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे यहां पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीज़ें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेसन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेसन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी ए, मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर विथु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वायलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज़ उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई हैं उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जेनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख देख पाएंगे बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो जेनर क्या है एंड इस मूवी में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या तो इस मूवी के अगर हम आई रेटिंग की बात करें क्योंकि आई रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में तो यहाँ पर आई रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि हाँ काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीज़ें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी इतनी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी ए, मिस्ट्री मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है या नहीं दी तो जी हाँ पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज दी हैं जस्ट लाइक इन्होंने यहाँ पर दी है जी ने ना उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लंका देखने को मिलेगी असुर विथु देखने को मिल जाएगी स्टॉप वायलेंस देखने को मिलेगी ये सारी मूवीज उन्होंने ही बनाई हैं जो कि यहाँ काफी अच्छे तरीके से बनाई गई है एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर रखी गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को देख पाएंगे। बाकी अगर हम पर बात करें के इस की पर जो है, है, को को तो है आजकल के दौर में आई तो पर डीबी रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो हाँ काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेशन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी ए के साजन ने ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो ए के साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजीएम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ़ ही उठाएंगे ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर, पर जो जो जॉर्ज जो जो देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को पाएंगे। बाकी अगर हम पर पर बात करें कि इस मूवी जो है, है, को को तो है आजकल के दौर में आई तो पर डीबी रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो हाँ काफी अच्छी खासी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी सिक्स परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेसन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेशन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है इस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ़ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजीएम को हैंडल किया एंड यहाँ पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जैनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसी कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को पाएंगे। बाकी अगर हम पर पर बात करें कि इस मूवी जो है, है, को को तो है आजकल के दौर में आई तो पर डीबी रेटिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को 7.6 पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो हाँ, काफी अच्छी खासी रेटिंग है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई है एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेसन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम डोरेसन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम डोरेसन है एंड इसी इतनी टाइम डोरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ़ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन ने हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजेम को हैंडल किया एंड यहां पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना वेल तो जी मिस्ट्री प्लस थ्रिल एक ऐसा जेनर बन चुका है जो कि आजकल के दौर में हर एक इंसान को बहुत प्यारा है हाँ प्यारे का मतलब ये नहीं है कि वो उससे लव करता है हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करता है अगर आप लोग भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं वो भी साउथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से तो हाँ आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मूवी लेकर सामने आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ क्योंकि आप लोग भी अगर ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं सीरीज़ देखना पसंद करते हैं या फिर अगर आप लोग भी ऐसे कोई भी एनिमेशन देखना भी पसंद करते हैं देन तो आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रिल देखने को मिलेगा मिस्ट्री देखने को मिलेगी एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि आप लोगों को देखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ये प्रजेंट किया गया है तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी पुली मदा के बारे में तो आप लोगों ने अगर ये मूवी एक मरतबा देख ली है देन वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है क्योंकि इसमें आप लोगों को एक्शन थ्रिल फैंटेसी मिस्ट्री ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग देखेंगे तो होपफुली कि आप लोग इस मूवी से यहाँ पर जो है वो लुत्फ ही उठाएंगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई मूवी है अगर हम बात करें कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की मूवी बनाई गई है एंड हम इस मूवी में क्या क्या देखेंगे एंड कास्टिंग में कौन है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हम इसी मूवी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये किस तरह की है कहाँ पर रिलीज़ की गई यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी पुली मदा के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जी यहाँ पर, पर जो जो जॉर्ज देखने को मिलेंगे एंड ऐश्वर्या राजेश देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने प्रजेंट की है ये मूवी एंड आप लोग इस मूवी को

उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें और बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी, की सारी के सारी गूगल के यूज़र्स की तरफ से यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की तरफ़ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की तरफ से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ हम आगे बात करें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो टाइम डोरेन कितनी है एंड यहाँ पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगा क्या जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर इस मूवी का जो जेनर है वो है जी यहाँ पर आप लोगों को मिस्ट्री प्लस थ्रिल ये चीजें आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगी जो कि हाँ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं एंड आप लोगों को भी एक मरतबा देखनी चाहिए उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी का यहाँ पर हम कितने क्राइटेरिया क्या है इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं तो इस मूवी में आप लोगों को तकरीबन एक घंटे और पचास मिनट की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी इतनी टाइम ड्यूरेशन के चलते आप लोगों को यार ये मूवी देख लेनी चाहिए इसमें अच्छा मिस्ट्री है अच्छी मिली है अच्छी थ्रिल है अच्छा यहाँ पर कास्टिंग है अच्छी स्टोरी लाइन है ये सारा कुछ ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो आप लोग अपने दो घंटे तो मिनिमम दो घंटे तो दे ही सकते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो हैंडल की है ए के साजन ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या

तो ये मूवी जो है वो प्योर मलयालम लैंग्वेज की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में और प्योर मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया इसे और कहीं पर भी रिलीज़ नहीं किया गया था मीन्स इसे मूवी को किसी भी और लैंग्वेज में रिलीज़ नहीं किया गया इसे सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज़ किया गया था और इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख सकते हैं अभी भी ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इजीली वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं उसी के साथ हम बात करें स्टोरी लाइन की तो यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी लाइन को भी एके साजन नहीं ही हैंडल किया प्रोड्यूसर्स में आप लोगों को राजेश देखने को मिल जाएंगे एंड सीजू वदाकन देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी में वीनू देखने को मिल जाएंगे एंड एडिटिंग की बात करें तो एके साजन इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करते हुए नजर आएंगे म्यूजिक डायरेक्शन में आप लोगों को ईशान देव और यहाँ पर अनिल जॉनसन देखने को मिलेंगे अनिल जॉनसन ने बीजीएम को हैंडल किया एंड यहां पर जो है वो ईशान देव ने सॉन्ग्स वगैरह को हैंडल किया जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाले गए हैं तो बहुत अच्छी मूवी है एक चांस डेफिनेटली देना